मम्मी कहती थी कि बस एच एस अच्छे से दे दे उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं अभी अभी मेरा बोझ खत्म हुआ है अब तो मैं सिर्फ ऐश करूंगी सोऊंगी टीवी देखूंगी और गेम्स भी खेलूंगी अरे आगे क्या करना है ये भी तो सोच ले क्या अभी आगे का भी सोचना है क्या और वो भी मैं ही सोचूं? ठीक है डॉक्टर या इंजीनियर बन जाऊंगी सब तो वही करते हैं ना अरे पर मैंने तो साइंस ही नहीं लिया मैं तो ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ क्या करूं हाँ बीए कर लूंगी ऑनर्स के साथ फिर टीचर बन जाऊंगी पर कौन से सब्जेक्ट में ऑनर्स लूँ हे भगवान कुछ समझ नहीं आ रहा है प्लीज कोई रास्ता दिखा दो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर ले आईएस बन जाएगी आईएस पर मैं कैसे कर सकती हूँ आईएस की तैयारी वो भी अब अभी अभी तो मेरा बस स्कूल ख़त्म हुआ है मैं तो अभी बच्ची हूँ ना और मैंने सुना है कि आई के प्रिपरेशन के लिए बड़े पढ़ाई करना पड़ता है अच्छा बीस घंटे पढ़ने पड़ते हैं बहुत टैलेंट चाहिए काश कोई गाइडेंस मिल जाता तब शायद कर लेती प्रिपरेशन अगर आपका भी एच अभी अभी ख़त्म हुआ है और आप भी आगे जाके आई एस आई पी एस आई एफ एस बन के अपने कंट्री को सर्व करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूं कि कैसे आप अभी से अपने कदमों को थोड़ा थोड़ा करके अपने सपनों की ओर लेके जा सकते हैं तो चलिए देर किस बात की लेट कोई और सपना देखता है जिंदगी में और कुछ और करना चाहते हैं आगे जाके तो कृपया उसके तरफ बढ़े खाम खा अपने आप को ना भटके लेकिन 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 अगर सच में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं या फिर कुछ आइडिया नहीं है आपकी आगे जाके क्या करना है एग्जैक्टली exactly, तो आप इस गाइडेंस के साथ अभी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यू की तैयारी सिर्फ एक एग्ज़ाम एक की तैयारी नहीं है दिस इज अ प्रोसेस टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ़ योर सो अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप आगे जाके अपना प्लान चेंज करें या फिर एग्जाम किसी कारण से क्वालिफाई ना भी करें तो भी ये जर्नी आपको एक बेहतर ह्यूमन बींग बनाएगा हो गया बहुत बकबक? अभी बोलती हूँ कि करना क्या है तो पॉइंट नंबर वन अपने का का कोई भी का ले लो, जोग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी या फिर लिटरेचर भी हो सकता है और उसको अच्छे से पढ़ो क्योंकि यूपीएससी सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है बाकी सब कुछ यूपीएससी के लिए एक समान। नाउ पॉइंट नंबर टू एक सिलेबस का प्रिंट निकालना पड़ेगा जिसमें prelims से लेके mains तक सारे टॉपिक्स अच्छे से लिखे हुए हो क्योंकि सिलेबस इज द फर्स्ट रोड मैप टू नो वट यू पी एस सिर्फ प्रिंट करने से नहीं होगा उसको याद करना पड़ेगा ताकि नींद में उठा के भी कोई पूछ लेना कि जी एस टू के पॉइंट नंबर थ्री में क्या लिखा हुआ है तो भी बता दो कि उसमें सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में लिखा गया है नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर थ्री अनादर इम्पोर्टेंट रोड मैप टू अंडरस्टैंड यूपीएससी दैट इज प्रीवियस यूर क्वेश्चन सिर्फ प्रिलिम्स नहीं मेंस का भी चाहिए 2013 से लेके अब तक सारे क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकाल लो ताकि ये समझ सको कि आखिर यूपीएससी डिमांड क्या करता है क्वेश्चन में और हमें आंसर क्या करना है तुम चाहो तो एक बुक भी खरीद ले सकते हो ऐसे जिसमें सारे प्रिलिम्स और मेंस के ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वाइज अलग अलग से बुक क्यों ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो लेकिन हाँ सिर्फ बुक से नहीं होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डायरेक्ट भी प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि तभी आएगा ना यूपीएससी जैसा फील अभी पॉइंट नंबर फोर में थोड़ा पुराने दिनों को याद करना पड़ेगा नहीं नहीं पुराने दोस्तों के बारे में नहीं बोल रही हूँ हमारे पुराने एन के बारे में बोल रही हूँ जी हाँ सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक सारे एन पढ़ने हैं क्योंकि यूपीएससी पी बिलीव्स एन सी आर टी हिस्ट्री हो या जोग्रफ़ी या फिर पॉलिटी हो या इकोनॉमी सारे पढ़ने हैं एक एक करके अच्छे से पढ़ो और उसके बाद यूपीएससी का क्वेश्चन को देखो देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो तुम्हारे एनसीआर में दिए हुए टॉपिक के साथ रिलेट किया जा सके हाँ साथ में पुराने दोस्तों को भी याद कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आखिर ओल्ड इज गोल्ड ना ओके चलो पुराने दिनों का बातें तो हो गया अभी कुछ नए हैबिट भी डेवलप कर लेते हैं क्योंकि यूपीएससी के लिए वो भी जरूरी है कौन सा हैबिट न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट क्या हुआ अरे डरने की कोई बात नहीं है धीरे धीरे अच्छे लगने लगेंगे कुछ लोग तो वैसे भी पढ़ते होंगे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई भी एक न्यूज़ पेपर ले लो अगर ये नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो कोई लोकल न्यूज़ पेपर ले लो उसी को अच्छे से पढ़ो अभी बस रीडिंग हैबिट डेवलप करना है क्या हो रहा है देश दुनिया में वो सब जानना है क्योंकि यूपीएससी इज़ मेड फॉर एवरेज सिटीज़न और उसके साथ साथ द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का ई e पी भी देख सकते हो जो मंथली सब्सक्रिप्शन होता है या फिर कभी कभी तो टेलीग्राम में फ्रीली भी अवेलेबल होता है प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पूछ लेना मैं प्रोवाइड करवा दूंगी नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है किसी भी वजह से उस सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में कोई बाधा नहीं डालना है क्योंकि याद रखना यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना पड़ता है अगर तुम इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना तो तुम्हारा ऑप्शनल वाला काम तो ऐसे ही खत्म और साथ में हो सकता है तुम्हारा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जीएस पेपर में भी ओवरलैप कर जाए तब तो सोने पर सुहागा हो गया ना अरे कैसे पता चलेगा सिलेबस देख के अभी अभी बोला ना प्रिंट आउट कर लो और अगर मुझसे जानना चाहते हो कि कौन से सब्जेक्ट है सिलेबस में तो कमेंट करो एक नए वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगी और याद रखना तुम्हारे ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है ये तुम्हारे लिए एक प्लान बी भी ओपन करके रखेगा वही टीचर बनने वाला जो स्टार्टिंग में सोच रहे थे नहीं क्योंकि यूपीएससी के लिए प्लान बी होना भी जरूरी है और भी सुनना है सब कुछ बोल दियो अभी इतना भी कर लो ना तो भी बहुत है और हाँ यूपीएससी के लिए कोई अच्छा बीस घंटे पढ़ने नहीं पड़ते हैं ना ही कोई बहुत टैलेंट की जरूरत है अगर कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन के साथ सही डायरेक्शन में हार्डवर्क कर लो ना तो बस यूपीएससी को पाने से कोई नहीं रोक सकता तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्थ रहे खुश रहे और पढ़ाई करते रहे आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी बाय